तो इन्फिनिक्स का एक नया सीरीज आ रहा है, यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज। आप सभी को जैसा कि पता होगा, इन्फिनिक्स हॉट 10 सीरीज काफ़ी अच्छा था, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है लॉन्च हुआ था। इन्फिनिक्स ने फिर से एक और नया सीरीज यानी कि अपग्रेड किया है, सीरीज यानी कि जनरेशन जो है अपग्रेड किया है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज। आपको यहाँ पर एक फ़ोन देखने को मिलने वाला है, यानी कि फ्लिपकार्ट पर 17 सितंबर को, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है और जिस प्राइज के साथ आपको देखने को मिलेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइज है। अभी आप सभी को पता होगा कि रियलमी रेडमी जो है 12 से 13 हज़ार में कम से कम फ़ोन लॉन्च कर रहा है, लेकिन इन्फिनिक्स चाह रहा है कि अब उस रेंज में हमारा स्मार्टफोन आए, इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा है इन्फिनिक्स उसी प्राइज रेंज में। तो आपको उसी प्राइज में देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज, यानी कि आपको हो सकता है कोई और भी फ़ोन देखने को मिला, फिलहाल तो एक ही फ़ोन लग रहा है आ रहा है, ठीक है। तो इसी फ़ोन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको लुक बाय डिज़ाइन से पहले बात कर लेते हैं। डिज़ाइन जो आपको काफ़ी यूनिक देखने को मिलेगा एंड पॉलीकार्बोनेट वाला डिज़ाइन जो है देखने को मिलेगा, यानी कि बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा एंड इस बार कैमरा सेटअप जो है कुछ अलग है, कुछ चेंज यानी कि नया सा देखने को मिलता है एंड आपको पॉलीकार्बोनेट वाला जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यानी कि बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। उससे पहले अगर आप भी इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो कर लें। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 6.78 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड फुल HD प्लस का डिस्प्ले, IPS पैनल देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले तो काफ़ी बड़ा है, 6.78 इंच का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले हो जाता है एंड आपको मिनी पंच होल वाला जो है डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो कि अब नया नया स्मार्टफोन में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले ओवरऑल काफ़ी अच्छा इस फोन में देखने को मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर प्रोसेसर जो देखने को मिलता है 12 से 13 हज़ार का, यानी कि 12 से 13 हज़ार में जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है सेम वही प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में। जैसा कि हर लोगों का शिकायत रहता था इन्फिनिक्स से कि वो प्रोसेसर में जो है कमी देता था, यानी कि प्रोसेसर में बहुत सारा कमी देखने को मिलता था इसी वजह से, अब इन्फिनिक्स ऐसा नहीं रहा क्योंकि इन्फिनिक्स भी अब रियलमी रेडमी को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर, जो कि 12 से 13 हज़ार वाला के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो जाता है, 4G प्रोसेसर है एंड अंतुतु स्कोर की बात करो तो 238,000 के आसपास जो है अंतुतु स्कोर इस प्रोसेसर का आता है, तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड अगर आपका बजट 12 से 13 हज़ार है एंड गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेसर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा इस पर आप गेमिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कैमरा का, तो कैमरा आप सभी को पता ही होगा कि 12 13 हज़ार में कौन सा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा जो कि प्राइमरी कैमरा होगा एंड 22 मेगापिक्सल का कैमरा होगा जो कि कोई काम का नहीं रहता है एंड सेल्फी कैमरा की बात को तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल बात करो कैमरा के तो हर स्मार्टफोन में सेम ही होता है आजकल, तो बात हो गया। तो अब बात करते हैं बैटरी की, तो आपको 5000 mAh का बैटरी इस फ़ोन में आपको देखने को मिलेगा एंड चार्जिंग की बात को तो आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है टाइप सी पोर्ट के साथ, ठीक है। अब इस फोन में मैं बात करता हूँ कुछ कमी है जो कि मुझे खास करके पसंद नहीं आया, इसमें आपको पीछे में जो है फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, लेकिन 12-13 हज़ार में जो है पीछे में फिंगरप्रिंट देना थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि पुराना हो चुका है। साइड माउंटेंट देता तो काफ़ी अच्छा हो सकता था क्योंकि अब जो फ़ोन आ रहा है सारा फोन में आपको साइड माउंटेंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, बट इसमें आपको पीछे में देखने को मिलेगा थोड़ा पुराना सा लगता है देखने में, ठीक है, तो ये थोड़ा कमी लगा। 3.5 mm का डुअल जैक भी देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस की बात करो तो हो सकता है 12-13 हज़ार में लॉन्च कर दे ब्रांड, 17 तारीख के बाद ही पता चलेगा। 4GB का रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ 12-13 हज़ार में आपको देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिल सकता है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 17 तारीख को लॉन्च हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर, तो आप सब देख सकते हैं। तो मिलता हूं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं।